Good morning everyone. We studied about evolution in our last lecture. We learn habitat and its effect. Today we learn about voyage of the Beagle and Darwin's experience. Okay, who is Darwin? Darwin was a scientist who gave the theory of evolution with the help of their experience and research. Okay, since childhood Darwin was interested in studying and gathering information about natural phenomenon, habitat of different organisms and their behavior. He studied about diversity of living organisms and the influence of nature on the diversity. His observation completely changed the social and scientific thought of his time. ठीक है, डार्विन जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी को समझाया था अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के थ्रू. ओके, उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए थे इस थ्योरी को समझाने के लिए जो हम पढ़ेंगे. जब डार्विन छोटे थे तो वो जो है वो एक बुक शॉप में काम करते थे जहाँ पर वो नेचुरल फिनोमिनन, हैबिटेट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते थे. और उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया था एवोल्यूशन के लिए, उस थ्योरी ने उस समय लोगों के दिमाग को, माइंड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था और लोग जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ करने लगे थे, यकीन करने लगे थे, बिलीव करने लगे थे. ओके, सो इन द ईयर 1831 डार्विन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ सर्वे एक्सपेडिशन बाय द शिप HMS बीगल. द वोवेज स्टार्टेड ऑन 27th December 1831 and ended on 2nd October 1836. That started from England and went via South America. He was to give company to the captain of the ship. The Beagle expedition was undertaken to map different regions to the world, explore mineral resources, studied biodiversity, etc. In your book, see the voyage of Darwin, America. Okay, it start to America and they return to many and South America. Okay, map showing the areas surveyed during the voyage of HMS Beagle. यहाँ पर मैप में डार्विन के द्वारा जो किया गया सफ़र है, voyage है, उसको शो किया गया है. इन्होंने अमेरिका से स्टार्ट किया था और साउथ अमेरिका, यहाँ पर इंग्लैंड से स्टार्ट किया था ना. वेयर इज इंग्लैंड? यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से स्टार्ट किया था. तो यह मैप में जो है वो डार्विन के वोवेज को शो किया गया है. विलन, ओके. द बीगल एक्सपेडिशन वाज अंडरटेकन टू मैप डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज, स्टडीड बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा. ड्यूरिंग द वोवेज दे फाउंड अ चेंजेस टू रोम अराउंड डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्टडीड ऑर्गेनिज्म टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट.
ही कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट अपार्ट फ्रॉम द एकोमेंडेशन एंड स्टडी रूम देयर वॉज अ गुड लाइब्रेरी इन द शिप। अपने वोवेज के दौरान डार्विन ने बहुत सारे आइलैंड पर डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल को देखा, जैसे कि अभी हमें ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। और उन्होंने डिफरेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्टडी किया। उन्होंने बहुत सारा अपना कलेक्शन किया ऑब्जर्वेशन के दौरान। और इनके जो शिप है HMS बीगल में, एक बड़ा सा लाइब्रेरी भी था जिसपे बहुत सारे बुक्स थे जो उनके जो रिसर्च है या जो डिस्कवरी है उसमें उनके इनका हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो ओके, अब हम पढ़ते हैं डार्विन के ऑब्जर्वेशन के बारे में। डार्विन्स ऑब्जर्वेशन अपने वोवेज के दौरान डार्विन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इसे हम जानते हैं। वो सम ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द वोवेज विच हेल्प डार्विन टू पर्पस द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आर एस फॉलो। फर्स्ट इज द डार्विन स्टडीड सैंपल ऑफ सी वाटर एंड वाज सरप्राइज टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दोज सैंपल्स। हियर द ऑब्जर्वेशन अ ब्यूटिफुल चैन ऑफ फूड एंड फीडिंग अमंग इवन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ। द फॉरेस्ट एंड माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका हैड सेवरल सच एग्जाम्पल्स टू। एवरीवेयर ही फाउंड फूड चैन एंड फूड वेव्स वेयर एन ऑर्गेनिजम्स प्रीडेटर फीड ऑन द अदर प्रे। दिस प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप मेड हिम वंडर। डार्विन ने अपने सफर के दौरान बहुत सारे द्वीपों को देखा, लाइफ को देखा, ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव्स के बारे में उन्होंने देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में भी फूड चेन और फूड वेव का स्टडी किया और उन्होंने खाए और खाए जाने की श्रृंखला को भी देखा, जो शिकार करके खाता है और जो शिकार बन जाता है। तो उन्होंने अपना थॉट बताया ये सब देख के कि देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर, इधर किल और डाई, दोज एबल टू सर्वाइव लाइव ऑन, परहैप्स दोज दैट गेट एकमेंडेड टू जियोग्राफिकल कंडीशन सर्वाइव्ड। उन्होंने कहा कि लाइफ में हर जगह स्ट्रगल है, या तो मरो या मारो। और जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए अपने आप को स्टेबल कर पाता है वही जीवित रह पाता है। जो सर्वाइव कर पाता है वह जीवित रह पाता है, जो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता वो जीवित नहीं रह पाता, है ना। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। He found fossils of aquatic organisms and that they may have lived in the sea earlier on the mountains of South America. During his studies there he experienced an earthquake as well. The ocean level rose to nearly 3 meters due to the earthquake. These types of observation were indicating the sudden severe चेंजेस में ऑकर ऑन आइलैंड और इन द ओशन ओवर टाइम। इन्होंने जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे फॉसिल्स भी देखे। डू नो व्हाट इज़ फॉसिल्स? फॉसिल्स इज द ऑर्गेनिजम्स दैट वाज एक्सटिंक्ट नियरली 1000 और मोर देन 1000 ईयर्स अगो। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 1000 या 1000 ईयर के पहले भी जो मर गए हैं और रॉक्स वगैरह में, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह में दब जाते हैं, उनका बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल पिक्चर बन जाता है या उसका स्केलेटल मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉसिल्स। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे फॉसिल्स भी देखे।
और साउथ अमेरिका के माउंटेन में भी वो गए और वहाँ का लाइफ स्टाइल को देखा, स्टडी किया। और उन्होंने ओशन में ये भी देखा कि जब अर्थक्वेक आता है तो ओशंस की जो वेव होती है वो 3 मीटर्स तक भी ऊपर जाती है, जो कि अगर किसी छोटे मोटे आइलैंड में ये अर्थक्वेक आया तो वो पूरा आइलैंड ही ओशन के अंदर चले जाता है। और उसका जो लाइफ है वहाँ पे, जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सडनली बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। डार्विन फाउंड दैट स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंजेस ऑन अर्थ कुड आल्सो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन लैंड फ्रॉम फॉर्म्स ऑन अर्थ। बीचेस सराउंडेड बाई क्लिप्स रेदर देन प्लेन सैंडी स्ट्रेचेस इंडिकेट दिस। उन्होंने बहुत सारे जो अर्थ के लैंड वगैरह हैं, है ना, बीचेस हैं, उनका उनमें भी पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पर जो लाइफ साइकिल पाया जाता है उनका स्टडी किया। द फॉसिस ऑफ गेंट मेमल्स रेप्टाइल्स एक्सेट्रा शोड सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस एज कंपेयर्ड विद द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। दस एज द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज्ड ओवर टाइम सो माइट हैव द ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने जो बहुत विशाल गेंट मेमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह उनको देखा और उनके फॉसिल्स का स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि उनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज भी आ जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस इसमें आए। फॉसिल से उनको पता चला कि बहुत समय पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते थे, एनिमल्स प्लांट्स वगैरह, और अभी जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस है, समय के साथ उन्हें क्या क्या चेंजेस आए, तो इन सब का पता लगाया जिसको उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में अपने कॉन्सेप्ट को ऐड किया। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके, बाय।